दोस्तों, क्या आपने कभी तैरता हुआ ट्रांसफार्मर देखा है? नहीं देखा? मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है जहाँ से पावर सप्लाई की जाती है, और उसके ठीक अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। जो जितने भी वायर आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो सारे के सारे वायर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा फिर इसका? ये ट्रांसफार्मर के अंदर तकरीबन 22,000 वोल्ट का करंट होता है, तो अगर ये पानी यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, सोचिए आप, अगर ये हादसा यहाँ पर होता है, करंट उतर गई, खुदा न खास्ता इस ट्रांसफार्मर के अंदर करंट उतर गई, यहाँ पर स्कूल भी है, सुबह सुबह बच्चे स्कूल आते हैं, छुट्टी होती है स्कूल से जाते हैं, और भी जिनको ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से गुजरते रहते हैं, ये ट्रांसफार्मर पूरा लोहे का देख रहे हैं आप, तो अगर इसमें करंट उतर गया कहीं से और किसी बच्चे ने या किसी भी व्यक्ति ने उसको छू लिया, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है सब 22,000 वोल्ट्स, फेसिंग के अंदर जाना सख्त मना है, लेकिन अंदर तो लबाला पानी भरा हुआ है, वैसे भी कौन जाएगा अंदर, लेकिन सोचिए अगर इसके अंदर करंट उतर गया तो आदमी तो बाहर से ही ऊपर चला जाएगा, फिर अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं उसको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक गटर है, ये देखिए, ये गटर की हालत पूरी पूरी की पूरी पैक्ड है, एकदम पूरी की पूरी चौकड़ है, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी बहने की कोई गुंजाइश नहीं। चैम्बर को देखिए आप इस चैम्बर को देखिए, पूरा मिट्टी से, पूरा कचरे से एकदम फुल है, पानी इसमें से बहेगा कैसे? ये देखिए, ये रास्ता जाता है भोबे हॉल की तरफ, और इस वक्त हम मौजूद हैं निज़ामपुरे में। अब देखिए ये गटर की हालत यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी गटर एकदम पैक है, एकदम पैक, कहीं से भी कोई जगह नहीं। हर जगह की गटर या हर मोहल्ला या किसी भी एरिया की गटर, किसी भी एरिया की या किसी भी मोहल्ले की गटर पर अभी तक जो हमने देखा है वो ऐसा ही पाया है, कोई भी गटर अभी तक हमको क्लियर नहीं मिली। ऐसा लगता है कि सालों साल बिल्कुल साफ सफाई यहाँ पर होती ही नहीं, इसीलिए ये रिजल्ट आता है सामने, साफ सफाई ना होने की वजह से। ये साफ सफाई है देखिए इस नाले की, जो लाला शॉपिंग के पीछे है, ये लाला शॉपिंग मार्केट है, और ये उसके पीछे का जो नाला है वो है। अभी जब हम यहाँ एंट्री कर रहे थे तो बाहर सामने से कुछ लोगों ने बोले यहाँ पर जितना भी कचरा जो जमा होता है, ये उनका कहना ऐसा है कि जो भी कचरा यहाँ पर होता है वो सारा का सारा लाला शॉपिंग के ऊपर जो लोग रहते हैं, जो लाला शॉपिंग के जो कचड़े होते हैं वो सारा का सारा यहीं पर फेंका जाता है। दो तरफ से पानी बहता है, देखिए एक तरफ ये है, इस तरफ का जो रास्ता है पानी बहने का, कचरा तो बहुत है लेकिन उनका कहना ऐसा है कि यहाँ से पानी पास हो जाता है, लेकिन इस तरफ का जो एरिया है वो बिल्कुल पैक है, मिट्टी और कचरे से इतना ज़्यादा भर गया कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे। ये रास्ता पूरा का पूरा पैक है, यहाँ से पानी जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो बारिश में जब पानी भरेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? ये रास्ता क्लियर है, यहाँ से पानी निकल जाता है, क्लियर नहीं मतलब पानी निकलता है सिर्फ, बाकी कचरा तो वैसे ही है। ये तीन बत्ती का एरिया है देखिए आप, तीन बत्ती मार्केट, और अब आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर जो गटर अवेलेबल है उसकी, देखिए क्या हालत है। ये गटर है और देखिए चैम्बर का तो पता ही नहीं है यहाँ पर। ये देखिए अभी ये कचड़े को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब ये आज ही साफ हुआ है, लेकिन ये सफाई देखिए, और अब आपको अंदर का कंडीशन दिखाते हैं, अंदर की कंडीशन देखिए आप गटर, ये सफाई हुई है देखिए, सफाई होने के बावजूद गटर की ये हालत है कि पूरी की पूरी फुल है। ये है मंगल बाजार स्लेब, और जैसा कि आप देख सकते हैं मंगल बाजार जो स्लेब है ये पूरा का पूरा नाला है। अब इस नाले में से जो गटर कनेक्ट होती है वो ये है, ये गटर उस नाले में कनेक्टेड है, तो आप बताइए कि जब पानी जब भरेगा यहाँ पर, बारिश में जब पानी बरसेगा और जब पानी भरेगा तो पानी जाएगा कहाँ, क्योंकि पूरा का पूरा तो ये फुल है। देखिए आप गटर की हालत देखिए,
ऐसा सुनने में आया था कि 4x4 की गटर होनी चाहिए, मगर यहाँ तो लग नहीं रहा कि 4x4 की गटर है। 4x4 की गटर हमें सिर्फ अभी तक पूरी जहाँ जहाँ भी हमने सर्वे किया है सिर्फ हमें एक ही जगह देखने को मिली है, और वो है तीन बत्ती गुलजार कोल्ड ड्रिंक के सामने जो गटर जो बनी हुई है आधी अधूरी, सिर्फ वही एक गटर लगा कि वो 4x4 है। बाकी आप ये गटर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है 4x4 है। और सफाई देखिए यहाँ की। अब हम पहुँच रहे हैं बंगालपुरा, ये बंगालपुरे का रोड है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये रोड है और ये गटर है। अब रोड से गटर जो है तकरीबन 3-4 फीट ऊपर बनाई गई है, तो जब पानी बरसेगा और पानी जो रोड पर आएगा वो गटर में जाएगा कैसे, क्योंकि गटर तो ऑलरेडी 4 फीट ऊपर है। देखिए तो यहाँ पानी यहाँ नहीं भरेगा तो फिर कहाँ भरेगा, क्योंकि पानी बहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोनों तरफ देखिए यहाँ पर भी गटर की वही कंडीशन है कि वो रोड से ऊपर है, तो रोड का पानी गटर में जाएगा कैसे जब गटर ही ऊपर बनी हुई है। ये मंगल विहार स्लैब से लेके पूरा बंगालपुरे का जो एरिया है वो मस्जिद की तरफ जो जाता है, देखिए पूरा पूरा इलाका बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, नीचे रोड और दोनों साइड में गटर ऊपर। एक और चीज़ दिखाते हैं कि इस रोड पर विजडम एकेडमी जो रोड है शांति नगर सॉरी सागर प्लाजा से लेकर जो गैबी नगर होने वाला जो रोड है, गैबी नगर की तरफ जाने वाला जो रोड है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर जो विजडम एकेडमी स्कूल है उसके सामने जो गटर बन रही थी वो गटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, क्रेडिट लेने को या उसको बनवाने को या उसको रुकवाने को बहुत सारी बातें सामने आई थी। अब एक चीज़ आपको ये दिखाना चाहेंगे, अब गटर तो बन गई, गटर बनने के बाद उसके अंदर की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गटर तो बन के रेडी है, देखिए ये गटर पूरी की पूरी बन गई है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा लगता है कि चारों तरफ से काम करके अंदर की जो प्रॉब्लम है जो जहाँ से पानी बहना चाहिए वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, वो तो वैसी की वैसी आप देख सकते हैं गटर पूरी की पूरी फुल। एक एक चैम्बर आपको दिखाते चलता हूँ, देखिए दोस्तों ये वो इलाका है जहाँ पर अक्सर गटर को लेकर और रोड को लेकर विवाद होते रहते हैं। तो ये देखिए ये गटर की हालत देखिए। ये वो रास्ता है जो सागर प्लाजा से गैबी नगर की तरफ जो रास्ता जाता है, जो रोड जाता है, ये वो रास्ता है। रास्ते में विजडम एकेडमी स्कूल जो पड़ती है रास्ते में, ये वो रास्ता है देखिए आप, और यहाँ की गटर देखिए। ये है गटर की साफ सफाई का आलम। ये सागर प्लाजा के सामने जो रास्ता जाता है देखिए, ये यहाँ पर वो मस्जिद है, नूर मस्जिद बोलते शायद इसको, हाँ ये नूर मस्जिद है। अब ये देखिए मस्जिद के ठीक पास में ये गटर। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका, जब रोड बनना शुरू होती है या गटर बननी शुरू होती है तो क्रेडिट लेने वाले और फोटो खिंचाने वाले भर भर के सामने आते हैं कि हमने किया हमने किया हमने किया। अरे ये किसने किया, ये किसकी वजह से हुआ है? ये जो आप देख रहे हैं कि गटर का मुंह एकदम लबालब भरा हुआ है और पानी बहने की कोई जगह ही नहीं, अब ये किसने किया? कोई आएगा सामने ही बोलने के लिए कि ये मैंने किया? शायद नहीं आएगा। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर जब गटर बनती है तो आधी अधूरी क्यों बनती है, मतलब यहाँ पर बना के छोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर बनाया गया क्योंकि शायद सामने ये दुकान है,
क्लिनिक है तो यहाँ पर बनाकर सामने छोड़ दिया गया, सिर्फ यहीं तक बनी है गटर और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे जो हिस्सा था वो छोड़ दिया गया।